जो कल आपका ग्लास टूटा था वो खुद ब खुद जुड़ गया। मैंने रखा था। क्या? और मैंने वो शीशे भी उठा लिए थे क्योंकि बौखलाहट में तो मुड़ती हैं और अपना पांव जख्मी करती हैं। अरे मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, ऐसा तावीज देते हैं, ऐसा वजीफा पढ़ते हैं कि पहाड़ जितना बड़ा मसला भी हो ना, उनके सामने जाके रेजा रेजा हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। सकता है तुमने बाहर वो तस्वीर देखी हो, अंदर आई हो तो तुम मैं लगा हो कि यहाँ वो तस्वीर लगी हुई है, लेकिन सुमन यहाँ पेंटिंग लगी हुई है। मिनाल, रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मेरा? मेरा रुक जाओ, मेरा क्या कर रही हो? मिनाल, दरवाजा खोलो। मिनाल प्लीज बेटा दरवाजा खोलो, ये क्या कर रही हो? मिनाल, मिनाल क्या हो गया? क्या हो? रिलैक्स अमान, वो
मिनाल ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है, उसने दरवाजा लॉक कर लिया है। पता नहीं क्या हो गया इसको, अभी अंदर स्टडी में लूडो खेल रही थी, मैंने उसे बात करने की कोशिश की तो मुझे धक्का देके फौरन इधर आ गई और दरवाजा लॉक कर लिया अंदर से। मिनाल एक सेकंड, तुम उसे ये कह रही हो कि मिनाल अंदर है कमरे में, उसने अपने आप को बंद कर लिया है? हाँ, उसने अपने आप को अंदर बंद करके दरवाजा लॉक कर लिया। प्लीज प्लीज हमारे उसकी चाबी लाए, कुछ करे। सुबुल वो सो रही है। क्या बेडरूम में? ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे सामने अंदर गई है। मिनाल प्लीज दरवाजा खोलो, पता नहीं क्या हो गया इसको, अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, अजीबोगरीब शक्लें बना रही थी। मिनाल प्लीज दरवाजा खोले ना, मिनाल प्लीज। संभल, वो अंदर नहीं है, ऊपर है बेडरूम में। वो मेरे सामने अंदर गई है, मां मैं आपसे कह रही हूं ना, भगवान से प्लीज चाबी लेकर। मैं झूठ बोल रहा हूं? हां आप झूठ बोल रहे हैं। चलो अमान, मिनाल ऊपर है। मिनाल हमारा ऐसा नहीं हो सकता, आप क्यों नहीं मेरा यकीन कर रहे? चुप करो, चुप जाएगी। मिनाल नीचे स्टडी में लूडो खेल रही थी। ये नीचे थी, आप आपको यकीन नहीं आ रहा? ठीक है, आप मेरे साथ नीचे चले, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। सुबुल क्या हो गया यार, इधर आओ। यहाँ है, ये देखे। कहाँ बैठी थी, कहाँ लूडो खेल रही थी? यहाँ लूडो वहीं रखा था, वहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची कैसे लूडो वहां से उतार सकती है? क्या हो गया तुमको? मैं सच कह रही हूँ मां, मैं यहाँ यही बैठ कर खेल रही थी। तुम बोल, तुम्हारे सामने लूडो रखा, वो आधी रात को लूडो खेलने क्यों आएगी? मैं सच कह रही हूँ मान, मिनाल यहाँ बैठकर खेल रही थी। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना? सुम्बुल, सुम्बुल क्या हो गया तुमको यार? सुम्बुल या अल्लाह, 3 बजे रात को तुम क्या कर रही हो? प्लीज सो जा सुकून से जाके, उठाना नहीं उसको। सुम्बुल मिनाल, मिनाल मेरा बेटा, उठो मिनाल, मिनाल उठो मिनाल, मुझे बताओ नीचे, नीचे स्टडी में क्यों गई थी तुम? हाँ, नीचे लूडो खेले क्यों गई थी तुम अकेले? सुम्बुल बताओ, अरे सच बताओ पापा को कि आप नीचे अभी स्टडी में गई क्यों, नीचे लूडो खेल रही थी ना? अरे वो रो रहे हैं यार, क्या हो रहा है? उठो यहां से, हटो, सोते में से उठा दिया उसको। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। सोती हुई बच्ची को जगा दिया, बिल्कुल ही पागल हो गई। चलो आओ तो लेटो। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, लेटो लेटो लेटो। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो बॉइल्ड एग। और कुछ चाहिए? जैम, ब्रेड, ब्रेड तो भी लाएंगी मामा। नाश्ता नहीं कर रहे? अभी दिल नहीं कर रहा। मिनाल बेटा नाश्ता फिनिश कर लो। मामा ना नाराज हैं हम दोनों से।
बताओ किस बात पर नाराज हो? मैं मनाऊं? अच्छा एक बात बताओ, ठीक है आप रात को स्टडी में गई थी? बिल्कुल डरना नहीं बाबा से, बाबा डांटेंगे भी नहीं, सच सच बताना। रात को स्टडी में गई थी लूडो खेलने? नाश्ता करो। बात की मैंने उससे, वो तो कह रही है वो कहीं नहीं गई थी। असल में वो जिस तरह तुमने उसे जगाया ना, वो डर गई। बोल। देखो मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा नहीं रहा, ना ही मुझे पता है कि तुमने उसकी तरबियत किस तरह से की है, लेकिन देखो बेशक हमारी बेटी हमसे झूठ बोल रही है, लेकिन हम उसको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते ना, उसकी पर्सनालिटी पे बुरा असर पड़ेगा। I'm sorry. Sorry मुझे कहना चाहिए, I'm sorry, मुझे असल में मैं कुछ ज्यादा बोल गया रात में, गहरी नींद से उठा था। It's okay. लेकिन अमान, प्लीज अब हम कल रात के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत शॉक में हूँ। अच्छा संभल, ऐसा भी तो हो सकता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा हो। पता नहीं, शायद हो सकता है। अच्छा एक काम करो ना, यहाँ आस पास में नेबर्स से मिला करो, कोई हो सकता है हम मिजाज लोग मिल जाए, दोस्ती हो जाए, और हो सकता है नेबर्स के थ्रू हमें कोई काम करने वाली मासी मिल जाए। तो पैसों की फिक्र मत करना, बस फौरन रख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस घर में तुम और मिनाल अब अकेले हो। मैं भी यही सोच रही थी एक्चुअली। एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये कि तुम्हें मेरे साथ नाश्ता करना होगा। अमान मुझे वाकई में भूख नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा। आप प्लीज स्टार्ट करें ना, मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता। प्लीज मेरे साथ नाश्ता करो अमान, बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लोग दोनों बैठेंगे, प्यारी प्यारी बात। जिस्म के आर पार हो जाए तो उसकी इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जवान औलाद की बेरुखी और वो भी कमाने वाले बेटे की बेरुखी सहना किसी भी माँ के लिए बहुत मुश्किल है। मैं क्या करूं बाबा जी, आप उसे वापस ले आए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूध लाई हो? अब जी जी लाई हूं। अल्लाह
अल्लाह अकबर और बिस्मिल्लाह पढ़कर इसमें डाल दो। हम भी आंखें बंद करके विर्द करते हैं और तू भी आंखें बंद कर ले। अपने हाथ इस तसले में घुमाए जा, जब हम कहें तब रुक जाना, ना उससे पहले और ना उसके बाद। आंखें खोल दे माई और बता मुझे क्या नजर आ रहा। बता दूध का रंग कैसा है, ये तो बिल्कुल काला है बाबा जी। मेरे बेटे को उसने अंधे कुएं से भी गहरे पाताल में बंद कर दिया है भाई। मेरा बच्चा, मेरा मान, मुझे वापस ला दे। बिल्कुल लाएंगे तेरे बेटे को, बस परेशान ना हो। तेरी बहू ने जो तुझ पे काला इलम किया है, हम उसका तोड़ करेंगे। बस तू बावजू रहा कर, सात जुमेरातें पूरी कर, इंशाल्लाह इन सात जुमेरातों में तेरा बेटा तुझे मिल जाएगा। बस बाबा जी, मैं आपके पांव धोकर पीऊंगी बाबा जी। नजराना लेकर आई हूं। I'm sorry. मैंने कल रात आपको डांट दिया था ना। फिर देखो बेटा, I'm sorry. आइंदा कभी नहीं डांटूंगी। I promise. चेंज करके आती हूँ, फिर हम चलेंगे। क्या हरकत है, लिपस्टिक क्यों लगाई है? हाँ, पूरा चेहरा खराब कर लिया तुमने।
हॉट बनाना, अभी तुम्हें तैयार किया था। क्या क्या कर रही हो, क्यों मुझे तंग कर रही हो? मेरा बाज आ जाओ वरना मैं बहुत मारूंगी। सुना, चलो मुंह धो। अब आप घर पर हैं? मैं असल में आना चाह रहा था, और अम्मी भी घर पर ही हैं। जी जी, सब खैरियत है, बस मुलाकात होती है। ओके। वालेकुम सलाम। किसे ढूंढ रही हैं आप? वो मैं अपने घर के लिए मां से ढूंढ रही थी। कहाँ रहती हैं आप? जी, वो जो कॉर्नर वाला घर है जिसकी राउंड विंडोज हैं, हम बस सभी शिफ्ट हुए हैं। क्या मैं आपकी मासी से मिल सकती हूँ? जी आइए। राजा अम्मा अब्बा जल्दी से नीचे आए, देखे कौन आया है। पढ़ाई का क्या हो रहा? पढ़ाई आजकल तो छुट्टियां हैं। भाभी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद है। अरे भाभी वाह, माशाल्लाह बेटा आया हमारा। चाय लेकर आती हूं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमान। बेटे कैसे हो? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, बहुत याद करते हैं आपको। हम भी बहुत याद करते हैं तुम्हें। वापस आए हो या मिलने आए हो? क्या हो गया अम्मी? जहाँ रहने आए हो मेरे पास, शक्ल दिखा कर चले जाऊंगी। मिलने के लिए आए हो आपसे? मुझे नहीं मिलना तुम्हें। कह दिया आ रही है, ये मेरी बेटी है, सवा महीना करने अपने मारे घर आई है। तुम्हारी एक ही बेटी? जी। चलो अल्लाह मियां खैर करेंगे और हो जाएंगे। तो तुम्हें मासी की जरूरत है अपने लिए? जी, अब यूजुअली तो ऐसा होता है कि जब आप नए घर में जाते हैं तो आसपास पता चल ही जाता लोगों को, और मासियां काम की तलाश में खुद ही आ जाती हैं। हाँ होता तो ऐसे ही है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन तुम लोग इतनी खामोशी से उस घर में आए कि किसी को पता ही नहीं चला। शायद ऐसा ही हो। आप बुलाइए ना अपनी मासी को ताकि मुझे सारी बात कर लूँ, कब से आएंगी, कितने पैसे लेंगी। मैंने उससे कहा है वो कपड़े धो रही है, आ रही है। जी बेगम साहिबा। हाँ जहूरा बीबी, तुमने कहा था ना कि मैं एक और घर तलाश कर दूँ तुम्हारे लिए, तो ये आई हैं, इन्हें मासी की ज़रूरत है, बात कर लो। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे काम नहीं चाहिए। क्यों, अब क्या हो गया? मुझे किसी और घर में काम मिल गया। हम बस तीन ही लोग हैं और काम भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और पैसे भी आप जितने कहेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं लालची नहीं हूँ, मैं जिधर ज़ुबान दे दी मैं वहीं काम करूँगी। पर क्या हो सकेगा तो मैं किसी और को आपके घर भेज दूंगी।
चाय तो ले। बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैंने तो इससे कहा था मगर। कोई बात नहीं। हाँ लेकिन अगर आपको कोई मिले तो प्लीज जरूर बताइएगा। कोई आई तो मैं जरूर बताऊंगी। लो बेटा बिस्किट लो। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले प्लीज, मैं मिलने के लिए आया हूं आपसे। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें। भाई, अब्बा बुला रहे हैं आपको। करता हूं तो कॉल नहीं उठाती, मिलने आया तो कमरा बंद करके बैठ गई अंदर। करूं तो क्या करूं मैं? बेटा परेशान मत हो, जानते तो हो ने, नाराज हैं अभी, ठीक हो जाएंगी। मैंने सोचा था मैं आऊंगा, हंसी खुशी मुझसे मिलेंगी और सब ठीक हो जाएगा। भाई आप परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात करूंगी। अरे बेटा ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, इनको कायम रखने के लिए बहुत खून जलाना पड़ता है। खैर तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगा उन्हें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम दिल छोटा मत करो। अब्बा आप और आलिया ही चले मेरे साथ। कहाँ? अरे मेरा घर देखने और कहाँ यार, तुम लोगों ने मेरा घर ही नहीं देखा अभी तक। अब भाई मैं तो फौरन चलने के लिए तैयार हूँ, क्या कहते हैं अब्बा चले? सुम्बुल और मीनाल का दिल भी लग जाएगा, आप लोग चले। पता नहीं सुम्बुल को क्या हो गया है, कुछ अजीब सी हो गई वहाँ जाकर, वहमी सी, जैसे ग्लास टूट जाए तो घबरा जाती है, चीज़ों से डरना शुरू हो गई। मेरे ख्याल से पहली बार अकेले रह रही है इस वजह से। क्या हुआ भाई, भाभी को घर पसंद नहीं आया? और मीनाल बेटा, उसका तो दिल लग गया ना, वो तो ठीक है। उसका तो आपको पता ही अब्बा, मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ, दो चार दिन चले मेरे साथ रहे वहाँ पर। बेटा ऐसे दो चार दिन के लिए उठ के कैसे जा सकते हैं? क्यों, यूनिवर्सिटी ऑफ है इसकी, आप सारा दिन घर में होते हैं, आप लोग चलेंगे आराम से, वहां रहेंगे, सुम्बुल और मीनाल का भी दिल बैठ जाएगा। भाई बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो इसलिए आए हो? मैं इस घर से तुम्हें निकाल कर ले गई वो, और अब हम जाएं उसके घर उसका दिल बहलाने के लिए। भांड है हम, मस्करे हैं, जोकर हैं, क्यों जाएं हम उसके घर? अरे मेहरबानो क्यों बेकार की बातें कर रही हो, इतने दिनों बाद तुम्हारा बेटा आया, आराम से बैठ के उससे बातें करो। बड़ा शौक था ना उसे अलग घर में रहने का, रहे भुगते। अलग घर में रहने का फैसला मेरा था अम्मी, आप हर वक्त क्यों ये समझती रहती है सुम्बुल ने ये करवाया? कुछ मत बनाओ अमान, मेरे बच्चे माँ हूँ तुम्हारी, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कौन सा फैसला कर सकते हो और कौन सा नहीं। अम्मी बस कहते हैं भाई इतने दिनों के बाद घर में आए हैं और आप फिर से। चुप कर तू, भाई की चमची, चल जा कमरे में। अगर ऐसी बात होती और सुम्बुल ने वाकई सब कुछ किया होता तो मैं आता आप लोगों को लेने के लिए। दुनियादारी, मेरे बच्चे दुनिया से बचने के लिए आए हो? अगर लोगों को पता चल गया कि तुम माँ बाप को छोड़कर चले गए हो तो तुम पर और तुम्हारी बीवी पर ये दुनिया थू थू करेगी, इससे बचने के लिए आए हो? ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी मेरे बच्चे, हमें नहीं देखना तुम्हारा घर। मेहरबानो अगर तुम आराम से बात नहीं कर सकती हो तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। और एक बात, तुम दोनों में से कोई भी गया इसके साथ तो याद रखना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे।
रात होने वाली है, कहा भी था अमान से कि जल्दी आ जाए, पता नहीं कहाँ रह गया। ये बड़े घर में पता नहीं अकेले वक्त कैसे गुजरेगा, मासी भी तो नहीं है। मिसेस अकबर ने कहा था वैसे कि किसी को भेजते हैं, हो सकता है भेजता है। अंधेरा हो रहा है, चूल्हे की आग आपने तेज की थी, कुछ पूछ रही हूं आपसे, आपने तेज की थी, आपने की है ये हरकत। मैं खुद आग आहिस्ता करके ऊपर गई थी, बहुत कैसे तेज हो गई बताओ मुझे, ना मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दो, क्या हो गया, क्यों मुझे तंग कर रही हो, इतना क्यों इतना झूठ बोलने लग गई हो आप आजकल। अच्छा आप स्टडी में भी गई थी लेकिन फिर भी आपने पापा के सामने झूठ बोला कि आप नहीं गई थी, मैंने खुद आपको अपनी आंखों से देखा था। ना क्या हो गया आपको, ना क्यों कह रही हो उस तरह, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। मिनाल, मिनाल thank you.
जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। मेरा बच्चा क्या रखे, मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है, खून पी जाऊंगी मैं तेरा, मार दूंगी मैं, मार दूंगी।